हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशु शर्मा एंड अभी आज हम आए हैं यहाँ पे दूसरा कॉलेज विजिट करने के लिए जो है अनवर खान मेडिकल कॉलेज। ये एक्सरे रूम, ये एमआरआई रूम, कैफेटेरिया अंदर, आईसी हो गया, एसीसी हो गया। ये ओनली केबिन्स है ना, केबिन्स फोर किसके पेशेंट्स के लिए? मेनली सब मिक्स रहते हैं। अच्छा ठीक है, ये केबिन्स हो गया। ये एक्सरे फॉर ब्लड कलेक्शन, ये लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी है ना। ये ओपीडी किसकी है? ये ऑफ कैनी का वार्ड है, ठीक है। ये ओटी ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। अच्छा, तो ये है इसका वो सामने सामने लिया था फ्रंट व्यू, और ये इसका साइड व्यू है। तो इसके साइड में सामने एक और बिल्डिंग है जो कि क्यों है, किसके लिए है? ओपीडी के लिए, मेडिसिन की, ये है, ठीक है वो। और इसके अलावा और कौन सी बिल्डिंग है? ये वाली सामने वाली बिल्डिंग वाली लाइब्रेरी, ये वाली लाइब्रेरी साथ वाली बिल्डिंग में जिसमें हम क्लास करते हैं, थर्ड फोर्थ ईयर, थर्ड फोर्थ ईयर वाली क्लासेस में करते हैं। तो लास्ट वाली जो बिल्डिंग है वो लास्ट वाली, बिल्कुल लास्ट वाली, ये वाली हाँ। इसका पीडियाट्रिक्स का है डिपार्टमेंट। इसमें और होता है क्या कि अभी जो ये जगह है ना, इनमें क्या स्पेस बहुत कम है, तो यहाँ पे कैंपस होना तो पॉसिबल नहीं। तो बेसिकली कैंपस नहीं, तो ये क्या करते हैं कि अपनी अपनी बिल्डिंग्स ले लेते हैं साइड में जितनी भी हैं, और उन्हीं बिल्डिंग्स को मॉडिफाई करके फिर उसको पूरा हॉस्पिटल या पूरा कैंपस बना देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे सारे कॉलेजेस चलते हैं। अभी आए हम फिलहाल अनवर खान का जो एकेडमिक बिल्डिंग है, एकेडमिक बिल्डिंग जो फर्स्ट ईयर का एकेडमिक बिल्डिंग है। अभी जो मैंने दिखाया ये जो मेन हाईवे, इसके जस्ट सामने तो जो है हॉस्पिटल बिल्डिंग है जो अभी मैंने आपको दिखाई, और यहाँ से जो आता है ये आ जाता है एकेडमिक बिल्डिंग। तो ये पूरा एकेडमिक, ये है एकेडमिक ओनली फर्स्ट ईयर का, ओनली फर्स्ट ईयर। जो सब्जेक्ट जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री उसकी क्लासेस होती है ओनली, और जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर सब उधर मेन बिल्डिंग हॉस्पिटल। ओके चलो ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री लैब है, बायोकेमिस्ट्री लैब है, सब फुली एसी है सब। तो दिस इज बायोकेमिस्ट्री लैब फॉर फर्स्ट इयर्स, तो ट्यूटोरियल भी इधर ही होता है ना? नहीं, ट्यूटोरियल रूम अलग है, ये सिर्फ लैब है। ट्यूटोरियल रूम है, ये सिर्फ लैब है। तो यहाँ पे सारा स्टूडेंट्स का, दिस इज ट्यूटोरियल रूम ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और सारे फुली एसी है ना, ट्यूटोरियल फुली एसी, और वो जो लेक्चर गैलरी जो नीचे दिखाया है फुली एसी है, बाकी पूरा फुली एसी। अनवर खान का फर्स्ट ईयर का कंपार्टमेंट जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी का किधर है? एनाटॉमी का थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। एनाटॉमी चलो, एनाटॉमी क्लास रूम ट्यूटोरियल, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी के लिए पर्टिकुलरली, और जो कैडेवर और वो सब वो ऊपर है डाइसेक्शन, वो डाइसेक्शन रूम अलग है, ये ओनली हिस्टोलॉजी, ये हिस्टोलॉजी। नाइस, दिस इज कम्प्लीटली एनाटॉमी म्यूजियम, जिसमें आप जो जितने भी ऑर्गन्स हैं तो ऑर्गन्स को कम्प्लीटली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे सारे ऑर्गन्स रखे हैं फर्स्ट ईयर रिलेटेड। और ये जो डमी है, ये डमी हो गए जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको समझाने के लिए। सो दिस इज हॉस्पिटल, इसमें ये हो गए रूम्स, सबके अपने अलग अलग रूम्स है ना। तो एक रूम में कितने लोग रहते हैं? दो बंदे, ऊपर पर रूम के ऊपर से। ओके ठीक है, नाइस।
तो ये है अपने भाई का रूम। तो यहाँ पे कौन कौन से रीजन से स्टूडेंट्स हैं? यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से, यहाँ पे कश्मीरीज भी हैं, नेपालीज भी हैं, और इंडिया में भी लगभग सभी रीजन से हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, जैसे आपका आप चाहे नॉर्थ ले लो, साउथ ले लो, तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई, आपका गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, आपका और जितने भी बिहार के हैं, इवन और जितने भी स्टेट से, लगभग हर सब से ही हैं, सब स्टेट से मिलता। ठीक है, ठीक है। और टोटल बैच कितने का है? बैच 140 स्टूडेंट्स का बैच चलता है हमारा। और फॉरेनर कितने? उसके अंदर आपका अराउंड, अब जो लेटेस्ट बैच आया हमारा, उसके अंदर 65-70 के अराउंड है फॉरेनर्स। टोटल फॉरेनर सीट कितनी है? टोटल फॉरेनर सीट ऐसा कुछ नहीं, लास्ट टाइम जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारे में 35 आए थे, फिर उसके बाद अराउंड 50 के अराउंड आए हैं, उसके बाद जो लेटेस्ट बैच आया उसके अंदर 60-65 स्टूडेंट्स। ओके ओके, नाइस। अब इसका फीस कितना है टोटल अभी नए बैच के लिए? अभी जो लेटेस्ट बैच आएगा उसके लिए फीस है $45,000 है उनका, साथ में आपका $7,000 हॉस्टल का है पर मंथ का। पर मंथ हॉस्टल 7,000 बांग्लादेशी टका में देना है 7,000। ओके, तो ओवरऑल इसका लगभग 55 लाख हो जाएगा ना? 55 तो आराम से पहुंच जाएगा। सो अभी हमने विजिट किया है अनवर खान मेडिकल कॉलेज। ओवरऑल कॉलेज काफी अच्छा है, इसमें मैंने आपको जैसे वही बात आ गई ना, बिल्डिंग से इसी में सारी चीजें होती है, और ओवरऑल देखा जाता है वो है कि एजुकेशन कैसी है। एजुकेशन बहुत अच्छी है, भाई बताएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आपको फुली कंडीशन, सब फैसिलिटीज सारी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ने बहुत हेल्प की अपनी, है ना, पूरा कॉलेज घुमाया, इतना नींद भी नहीं आई भाई को, दिन में सोया नहीं, है ना। थैंक यू सो मच। तो भी बहुत सारे कॉलेजेस का मैंने विजिटिंग का वीडियो डाला है, तो आप और बाकी जो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, तो आप चेक इट आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब।